और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताई थी ये बात कि एजाज भाई को घर से बेघर कर दिया जाएगा, एजाज भाई के घर से बेघर होने के पीछे क्या राज है ये भी हमने बताया आपको। अब यहां पर दोस्तों घर वालों के चेहरे आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित भरे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूस में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको फटाफट और बेहतरीन खबर मिलेगी। और मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिग बॉस 2020 की, यानी कि जो 21 हो गया है। ऑफ कोर्स एजाज भाई को दोस्तों एक प्रोजेक्ट मिला है, ये बात हम जानते हैं। कैन यू सी दैट लुक जो एजाज भाई ने बना रखा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ये खबर दोस्तों आज की नहीं है, ये एक हफ्ते पहले की बात है। अगर आपको याद होगा तो मैं पिछले आई गेस ट्यूजडे या वेंसडे मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, मुझे याद है। और यहां पर मैंने ये भी बोला था कि ये खबर है, खबर है, खबर है, इसका मैं पुष्टिकरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग खबर आ रही है कि एजाज भाई जो है घर से बेघर हो जाएंगे और एजाज भाई जो है शूटिंग करने जा रहे हैं अपनी किसी इंपॉर्टेंट फिल्म की, जिसकी शूट उनकी शुरू हो गई थी। एक्चुअली शुरू नहीं हुई थी, लॉकडाउन और उसके बीच का गैप आ गया था, फिर बिग बॉस उन्होंने सोचा कि 3 महीने का मैं कर लूं, लेकिन बिग बॉस एक्सटेंड हो गया। ये बिग बॉस वालों की गलती है कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एक्चुअली इन लोगों की कंटेंडर की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कंटेंट ही नहीं दिया कुछ भी। ओके, अब दोस्तों आपको बता दूं तो इजाज भाई का फाइनल फेयरवेल हो रहा है। हम देख सकते हैं यहां पे कि इजाज भाई जो है बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट में है, और उनका उनका वो लुक टेस्ट है बेसिकली, अगर देखा जाए तो वो घर में लुक टेस्ट हुआ होगा उनका, और प्रॉपर तरीके से अंदर रूम में, सीक्रेट रूम में जाके बातचीत होती है, वो कन्फेशन रूम में जाके सारी चीजें होती हैं, वो हमें पता है। सो अब यहां पर दोस्तों एजाज भाई तो जाएंगे, उससे खेल में असर क्या पड़ेगा? खेल में सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि एली गोनी का एक अलायंस टूट जाएगा और इनका ग्रुप हिलते हुए नजर आएगा। अगर आपको बता दूं दोस्तों तो इनका ग्रुप हिलते हुए नजर आएगा, और यहां पर जो राहुल को उसकी फाइट में इजाज खान बोलते थे, रुबीना से लड़ते थे जब भी, तो राहुल कूद पड़ता था, तो अब राहुल कैसे कूदेगा? वो कहीं ना कहीं उसका एक तो चेंज हो जाएगा, दूसरा दोस्तों ये होगा कि एली गोनी का एक सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एली गोनी को कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था जैस्मिन और इजाज खान से, अब वो नहीं होगा। प्लस एक ये होगा दोस्तों कि रुबीना इजाज खान की बनती नहीं है, कहीं ना कहीं रुबीना जैस्मिन की नहीं, जैस्मिन और इजाज की नहीं बन रही थी, लेकिन फिर उसके बाद रुबीना और उनकी नहीं बन रही थी इजाज की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक फर्क ये होगा कि रुबीना को पोक करने वाले की एक कमी हो जाएगी, मतलब कि एंटायर हाउस वर्सेज रुबीना अभिनव, ये जो हम देख रहे थे इसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। सो गाइस, इस पर आप लोगों को क्या है कहना कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। चलता हूं।